नौ इंसानी का जहन और फिक्र के एतबार से इर्तका हुआ है। हमेशा से इंसान अपने फिक्र और शऊर के एतबार से उस सतह पर नहीं था जिस सतह पर आज है। जैसे कि एक फर्द का अहद तफूलियत है, बचपन है, फिर वो जवान होता है, फिर पुख्तगी को पहुंचता है। एक पुख्तगी जिस्मानी होती है, वो 18-20 बरस का नौजवान जो है अब जिस्मानी एतबार से मुकम्मल है, अपनी पुख्तगी को पहुंच गया है। एक शऊर और फिक्र और नफ्सियाती पुख्तगी की उम्र है जिसको कुरान मजीद ने 40 बरस मुअय्यन किया है। हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सनतन, यहां तक कि जब इंसान अपनी पूरी पुख्तगी को पहुंचता है 40 बरस का हो जाता है। तो जिस तरह एक फर्द का मामला है उसी तरीके से पूरी नौ इंसानी का भी मामला है। इसका भी एक अहद तफूलियत था, फिर उसकी जवानी का दौर आया, फिर उसके शऊर की पुख्तगी, अक्ल की पुख्तगी का दौर आया है। अब जाहिर बात है कि जैसे एक बच्चे को आप तालीम देना चाहें तो चाहे प्राइमरी के बच्चे के लिए आप किसी PhD को बिठा दें, PhD है वो, सब कुछ उसने जो है पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन वो उस बच्चे को तो नहीं दे सकता वही सब कुछ जो कुछ उसके जहन में है, उसे तो उसकी जहनी सतह के मुताबिक देना होगा। अब आपको मालूम है कि अरस्तू का तालीक, ये सिकंदर का तालीक अरस्तू था। अरस्तू अक्ल की किस सतह पर है? आज भी वो एक गोया के इमाम माना जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, एक खास नुक्ते नजर जो है उसके अंदर वही है अब भी इमाम की हैसियत से मुसल्लम। लेकिन यह कि सिकंदर की सतह जो भी रही होगी मुख्तलिफ अदवार में, जाहिर बात है कि अरस्तू अपना कुल इल्म और फहम और कुल हिकमत जो है वो उसको इब्तदाई स्टेजेस के अंदर तो नहीं दे सकता था। तो अल्लाह ताला का इल्म कामिल, अल्लाह की हिदायत कामिल है, वो तो हमेशा से अजल से, उसकी सिफात तो मुस्तकिल है और अजली है। लेकिन नौ इंसानी को जो हिदायत और रहनुमाई दी गई है वो दर्जा बदर्जा बढ़ी है, और इस दर्जा बदर्जा बढ़ने में जान लीजिए कि ये जो हिदायत आती रही साबिका सहीफों में, किताबों में, इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लफ्ज के साथ सहीफा आता है, सोहोत इब्राहिम व मूसा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बाज़ाब्ता नाम के साथ तौरात है, फिर जबूर है, फिर इंजील है, फिर यह कि और बहुत से नबियों के सहीफे हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जमा किए गए हैं, अगरचे उनकी सेहत की कोई जमानत नहीं है, लेकिन बहरहाल यह नहीं कहा जा सकता कि कुल के कुल वो झूठ पर या नहीं फैब्रिकेशन ही पर मुश्तमिल है। ये सब दर हकीकत वो तदरीजी इर्तिका है हुदन का, ये तदरीजी इर्तिका तकमील को पहुंचा है इस कलाम पर। अल हुदा, अब ये कामिल हो गई हिदायत कामिल। और इसके लिए मैंने अपने इस मज़मून में प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती को कोट किया है, यही मैं अब इस वक्त नोट करा दूं कि प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ साहब की जो किताब है फलसफे के मौजू पर, तारीख फलसफा पर, उन्होंने कोट किया है। यही बात अभी मैं पढ़ रहा हूं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड H.G. वेल्स की, उसने भी ये बात कही है कि 6वीं सदी कबल मसीह से इंसान ने सोचना शुरू किया है, इससे पहले सोच नहीं थी। जैसे बच्चे को भी आप बताते थे देखो ये काम ना करना, ये सांप है, ये सांप जो है नुकसानदेह है, इसके करीब ना जाना, उसे कुछ पता नहीं है इसके सिवा। लेकिन ये कि आपने बताया, पहले जो है डूज एंड डोंट्स दिए गए, ये करो ये ना करो, बाकी ये करो तो क्यों करो इसका कोई अभी महल नहीं था, ये ना करो तो क्यों ना करो इसको अभी समझाने का कोई मौका नहीं था। वो बेसिक विजडम अभी इम्पार्ट नहीं की जा सकती थी नौ इंसानी को, जिससे खुद उसमें सलाहियत पैदा हो जाए, बातनी बसीरत पैदा हो जाए कि क्या मेरे लिए नफा बख्श है, क्या मेरे लिए नुकसानदेह है, वो उसूल क्या है जो गवर्न कर रहे हैं मेरे नफो नुकसान को, अभी इंसान इसका अहल नहीं था। लिहाजा तौरात जो नाजिल हो रही है 1300 BC में, 13 सदी कबल, उसके लिए लफ्ज़ी कुरान मजीद के अंदर या मुख्तलिफ जगह पर आता है तो वो अहकाम थे उसके अंदर, जैसे कि 10 कमांडमेंट्स अहकाम थे, उसमें डूज भी थे डोंट्स भी थे, अवामिर भी थे नवाही भी थे, ये करो ये ना करो, इसलिए कि अभी वो अहद तफूलियत है। अलबत्ता हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 600 बरस कबल इंसान ने सोचना शुरू किया, अचानक महसूस होता है पूरी दुनिया में चीन से लेकर और यूनान तक मालूम होता है कि इंसान गोया कि जवान हो रहा है। अब उसने सोचना शुरू कर दिया है, कन्फ्यूशस है, गौतम बुद्ध है, महावीर है, ज़रतुश्त है, फला है, अब वो अरिस्टोटल है, वो सोक्रेटिस है, यूनान के और दूसरे साइंसदान जिन्होंने के इब्तदा जो है बुनियाद डाली है दुनिया में साइंस की, ये सब एक दौर के लोग कॉन्टेम्परेरीज हैं,
मालूम हुआ कि एकदम इंसान की अक्ल जो है वो अपने उस बुलूग को पहुंच गई है कि अब उसने गौर व फिक्र करना शुरू किया। और अजीब बात यह है कि हजरत मसीह को दरमियान में रखकर 6 सदियां उधर, 6 सदियां इधर, ये 1200 बरस है, मोस्ट प्रोफाउंड ये दौर है नौ इंसानी की तारीख का। अगर इसको एक इंसान समझे, जैसे कि सूफिया इंसान अकबर का एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये पूरी नौ दर हकीकत एक फर्द की हैसियत रखती है, तो उसकी जिंदगी में ये 1200 बरस हैं जिसमें कि उसकी सोच शुरू होकर और इंतहाई दर्जे तक पहुंच गई है, उसकी फलसफियाना फिक्र अपने इंतहा को, नुक्ते उरूज को, क्लाइमेक्स को पहुंच गई है। जो कुछ इंसान बहसियत इंसान सोच सकता था या सोच सकता है, वो गोया के 600 ईस्वी में हजरत मसीह के 600 साल बाद वो अपने कमाल को पहुंच गई। चिश्ती साहब तो दावे के साथ कहा करते थे, क्योंकि उनकी सारी उम्र गुजरी थी, वो जोरू ना जाता, अल्लाह मियाँ से नाता, शादी उन्होंने की नहीं, सारी उम्र किताबें पढ़ना और फलसफा और मंतिक और तारीख और अदियान आलम, मज़ाहिब आलम, फिर उनका तकाबुली मुताला, यही उनका मौजू था। और उनका दिमाग जो है, चूँकि मुझे उनकी ज़िंदगी के आखिरी दौर में काफ़ी अर्से उनका क़ुर्ब हासिल रहा और मैंने उनसे बड़ा इस्तेफादा किया है, तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी के मालिक, और आखिरी वक्त तक उनकी याददाश्त बड़ी क्लियर थी, हवाले पूरे के पूरे जूँ के तू वो देते थे। उन्होंने ये दावा किया है, प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती, जो शारह इकबाल की हैसियत से ज़्यादा मारूफ हैं, बाकी उनकी दूसरी हैसियतें हैं जो मारूफ नहीं हो सकी। बहरहाल उनका दावा यह था कि मैं साबित कर सकता हूँ कि 600 ईस्वी के बाद ना कोई नया मजहब दुनिया में आया है, ना नया कोई फलसफा दुनिया में आया है। आज के जितने फलसफे हैं बड़ी भारी भरकम इस्तिलाहात के साथ, लेकिन यह कि ये तमाम फलसफे उससे पहले पहले पैदा हो चुके थे, अब सिर्फ लेबल्स बदले हैं। शराब वही है, सिर्फ लेबल्स बदल गए। एग्जिस्टेंशियलिज्म हो या लॉजिकल पॉजिटिविज्म हो या एम्पिरिसिज्म हो, जो भी ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उन सब का वो कहते हैं कि तमाम फलसफे मुकम्मल हो चुके थे। इसको मैंने तफसील से इसमें लिखा है, वो पढ़िएगा और एक एक हर्फ को अपने जहन के अंदर बिठाने की कोशिश कीजिए कि इस हकीकत को अच्छी तरह समझिए कि फिक्र इंसानी, इसे एक नुकता फिर आपके जहन में वसवसे के अंदाज में आ सकता है, और वो ये है कि साइंस का इर्तका तो हो रहा है, साइंस तो बढ़ी ही अब है इस दौर में, इसमें कोई शक नहीं। आप उलूम को दो हिस्सों में रखिए, एक है मादी उलूम, फिजिकल साइंसेस, उसका इर्तका मुसलसल हो रहा है और होगा, अभी हम नहीं कह सकते कि कहां तक ये इंसान पहुंचेगा। और वाकया ये है कि जिन चीज़ों की खबर दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जालियत के उनवान से, ये साइंस उन दज्जालियत की उन तमाम हदूद तक पहुँच कर रहेगी। ये तो है उस साइंस के इर्तका का मामला, लेकिन फिक्र और शय का नाम है, फलसफियाना फिक्र, वो जो पूरी कायनात और उसकी हकीकत को एक हकीकत बसीता की हैसियत से समझने की कोशिश, और इसकी जो असल हकीकतें हैं उनका उन तक पहुंचने की कोशिश, जिसके बारे में वो शेर मैंने आपको सुनाया था कि हदीस मुतनिबो मै गो व राज दहर कम तरजू के कसनक सुद व नुकशायद बहिकमत मुअम्मारा, ये राज दहर जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है, हम कौन है, कायनात क्या है, हमारा इससे रिश्ता क्या है, ये खुद ब खुद बन गई या ये कोई इसका बनाने वाला है, कोई बनाने वाला है तो उससे हमारा ताल्लुक क्या है, हमारी जिंदगी बस यही जिंदगी है जो इस दुनिया में हम बसर कर रहे हैं, या मौत के बाद भी हमारी कोई जिंदगी है। तो ये तमाम वो मसाइल हैं कि जिनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स। तो मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं वो मेटाफिजिक्स है, वो चीज के जो हमारे हवास के दायरे से बाहर, हवास के दायरे के अंदर जो उलूम है उन्हें आप फिजिकल साइंसेस कहेंगे, उनमें इर्तका हो रहा है। लेकिन वो फिक्र इंसानी, वो फलसफियाना फिक्र जो है, वो मेटाफिजिकल थॉट, उसके मुख्तलिफ शोबे हैं, वो मुकम्मल हो चुका था जब बेसत मुहम्मदी हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त फिर अब अल हुदा दे दी गई, हिदायत कामिला। और इसी के साथ एक रब्त और ताल्लुक मैंने, चूंकि मेरे जहन में आया, मैंने बयान भी किया बाहर, आज फिर नोट कर लीजिए, यही वजह है कि इस अल हुदा की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इससे पहले जितनी हुदन नाजिल हुई उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, इसलिए कि असल कामिल हिदायत तो अभी आने वाली थी, कोई जो है उसकी हिदायत गैर जरूरी थी, उसका उसकी हिफाजत गैर जरूरी थी, कोई अल्लाह ताला को म्यूजियम नहीं सजाना था, असल शय तो है हिदायत, और हिदायत चूंकि
अभी ये तदरीजी इर्तिका है उसका हो रहा है, तदरीजी मराहिल तय कर रही है ये हिदायत खुदाबंदी, अल्लाह के इल्म के एतबार से नहीं। नौ इंसानी जिसको हिदायत पहुंचानी है उसके जहनी और फिक्री इर्तिका के एतबार से, लिहाजा यूं समझिए कि इंटरिम पीरियड्स में जो कुछ उन्हें दे दिया गया है उसकी हिफाजत की चंदा जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो हिदायत कामिला आ जाएगी, जब अल हुदा बन जाएगा मामला, वहां तक पहुंचेगा, अब उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया जाएगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमती, जब ये इतमाम नियमत हिदायत हो जाएगा तो फिर ये भी साथ ही फरमा दिया गया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने ही इस अज़्ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफिज़ हैं।